Hi friends, how are you? Hope you will be fine. I'm your host Abdullah Swathi and welcome to my channel Swathi Rabbits and Birds Farm. बहुत से दोस्त ये चीज़ बार बार पूछ रहे थे कि हमारे रैबिट बहुत ज़्यादा वीक हैं, हमारे रैबिट की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही, हमारे रैबिट की ब्रीड ठीक से नहीं आ रही, हमारे रैबिट जो ब्रीड देते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स जो बनी जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं तो ये वीडियो आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और अगर आपके माइंड में भी रैबिट फार्मिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, हम एज सून एज पॉसिबल उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की। सबसे पहले तो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रैबिट वीक होना स्टार्ट हो गया है। रैबिट की जो वीकनेस होती है वो उसके फिजिकल बिहेवियर से हमें जज करनी पड़ती है। इसकी इनिशियल स्टेज ये होती है, आपके रैबिट की डाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, आपके रैबिट का जो उछलना कूदना होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, आपका रैबिट थोड़ा सा लाफिर हो जाता है, ये इनिशियल स्टेज होती है। बट अगर आप इनिशियल स्टेज में रैबिट को ट्रीट नहीं करेंगे, उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी नहीं करेंगे तो वो एक्सट्रीम लेवल पर जाएगी। एक्सट्रीम लेवल में ये होता है कि आपका रैबिट जो होता है वो बिल्कुल लागर हो जाता है, वो बिल्कुल एक किनारे पे बैठ जाता है, उसकी डाइट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, उसका जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसकी पसलियाँ होती हैं, वो बिल्कुल वाजे आपको नज़र आ रही होती हैं। ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल होता है। लेकिन इन बोथ केसेस इनिशियल स्टेज है या एक्सट्रीम लेवल है, आप रैबिट को ट्रीट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपका रैबिट वीकनेस की वजह से मर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके रैबिट की वीकनेस एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच चुकी है और आपने अभी तक उसको ट्रीट नहीं किया तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपका जो रैबिट है वो एक्सपायर हो जाए। अब आ जाते हैं उन वजूहात की तरफ जिनकी वजह से आपका रैबिट दिन ब दिन वीक होना शुरू हो जाता है और अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो एक्सपायर भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर वन इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपके रैबिट को किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है तो आपका रैबिट वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर चाहे आपके रैबिट को फ्लू हो जाता है, आपके रैबिट को खारिश हो रही है, ये कोई भी और इन्फेक्शन हो गया है, तो आपने उसको ट्रीट करना है। रैबिट की बॉडी पे जब भी कोई बैक्टीरिया अफेक्ट करता है तो वो उसके रिएक्शन में रैबिट वीक होना स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर टू इज डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रैबिट फार्मिंग। अगर आप अपने रैबिट की प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो आपका रैबिट दिन ब दिन वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। डिवॉर्मिंग क्या होती है, डिवॉर्मिंग कैसे की जाती है, इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं, डिवॉर्मिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, इस पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। वीडियो का थंबनेल आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप ये वीडियो वहां से देख सकते। तो होप सो आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो डिवॉर्मिंग से रिलेटेड आपके माइंड में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर थ्री इज डाइट। रैबिट की जो वीकनेस है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप अपने रैबिट को क्या डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तो आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका रैबिट फिट रहेगा। हमारे मोस्टली फार्मर्स ये समझते हैं कि अगर हम अपने रैबिट को सिर्फ हे प्रोवाइड करते रहेंगे तो हमारे रैबिट फिट रहेंगे, पर ये चीज़ बिल्कुल गलत है। रैबिट की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ हे से कम्प्लीट नहीं हो सकती, इसलिए हमें अपने रैबिट को एक अच्छी डाइट प्रोवाइड करनी होती है। अगर तो हम अपने रैबिट को सिर्फ हे ही प्रोवाइड करते रहेंगे, हमारे रैबिट ज़िंदा तो रहेंगे पर उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो सकेंगी और हमारे रैबिट्स वीक होंगे। पॉइंट नंबर फोर इज ओवर ब्रीडिंग। अगर आप अपने रैबिट से ओवर ब्रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ आपकी फीमेल वीक हो जाएगी बल्कि आपके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, जो आपके बनीज आएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा वीक होंगे। वो लोग जो रैबिट से ओवर ब्रीड लेने की कोशिश करते हैं वो सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि जब उनकी फीमेल बनीज डिलीवर कर देती है तो वो एक से डेढ़ माह के अंदर फीमेल को दोबारा क्रॉस करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आपकी फीमेल बनीज आपको डिलीवर कर दे, डेढ़ से दो माह तक आपने बनीज को मदर से अलग नहीं करना। डेढ़ से दो माह तक अगर वो मदर फीड पे रहेंगे तो आपके जो बनीज हैं वो भी हेल्दी होंगे। और बनीज को फीमेल से अलग करने के कम से कम भी 15 से 20 दिन बाद आप उसको दोबारा क्रॉस करें। मसलन अगर आपकी फीमेल आज डिलीवर करती है तो उसे ढाई से तीन मंथ बाद उसको आप दोबारा क्रॉस करवाएं। तो अगर आप इस रेशियो से चलेंगे तो आपकी फीमेल भी हेल्दी रहेगी और आपके जो ऑफस्प्रिंग्स आना है, जो बनीज आएंगे, वो भी हेल्दी रहेंगे और मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होगा।
ये वो चंद कॉमन पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आपका रैबिट दिन ब दिन वीक होना शुरू हो जाता है और उसकी म्यूटिलिटी हो जाती है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।